नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे कर्मचारी जिन्होंने हाल ही में मार्च के अंदर प्रथम घोषणा पत्र भरा है या पिछले वर्ष मार्च में अपना प्रथम घोषणा पत्र भरा है और उनको उनका SI पॉलिसी बॉन्ड अभी तक नहीं मिला है, तो वो अपना SI पॉलिसी बॉन्ड कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे। यदि आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जिस कर्मचारी ने हाल ही में या पिछले सत्र में अपना प्रथम घोषणा पत्र भरा है, तो सबसे पहले हम उस कर्मचारी की लॉगिन आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी जिसको कहते हैं, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर उसके SSO लॉगिन में लॉगिन करेंगे। SSO लॉगिन में लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है वो अभी हम देखते हैं। ये हमने लॉगिन बटन को प्रेस कर दिया। लॉगिन बटन को प्रेस करने के बाद आप कर्मचारी के SSO लॉगिन के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जो SIPF का आइकन दिखाई दे रहा है, इस SIPF के आइकन पर आपको जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे SI के पोर्टल पर। जैसे ही आप एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे, आपको एम्प्लॉय की समस्त सूचनाएं ऊपर प्रदर्शित होंगी, उसका नाम, एम्प्लॉय आईडी, और ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है जिस पर उसकी समस्त सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। ये उसकी डिटेल्स हैं। ऊपर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं। इन टैब्स में बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे ट्रैक योर एप्लीकेशन, ई बैग, SI ई बैग, ई बैग अदर डॉक्यूमेंट, ई बैग एप्लीकेशंस, अपडेट GIN नंबर, अपडेट ई बैग, अपडेट लेजर, लोन एडजस्टमेंट, फर्स्ट फर्दर। और इसके नीचे जब आएंगे हम तो हमें एम्प्लॉई के फैमिली डिटेल भी प्रदर्शित होती है। ये देखिए, आपको फैमिली डिटेल भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसकी समस्त डिटेल आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। हमें ऊपर चलना है और जहाँ पर आपको ई बैग SI का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक पूरी डिटेल प्रदर्शित होगी जिसमें आपको स्कीम का नाम SI प्रदर्शित होगा, डॉक्यूमेंट का नंबर प्रदर्शित होगा यानी जो एम्प्लॉय आईडी आपकी है वही आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, आपने एप्लीकेशन किस तिथि को दिया था वो यहाँ प्रदर्शित होगा, और यहां लिखा है पॉलिसी बॉन्ड। फिर इसके आगे एक बटन है, एक्शन बटन, जो आपको प्रदर्शित हो रहा है यहां पर। यह एक्शन बटन, जहां इस एक्शन बटन पर आपको क्लिक करना है। एक्शन बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड होगी और डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर नीचे बॉटम में प्रदर्शित होगी। इस फाइल को यहां से क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहां पर क्लिक करके, ये इस प्रकार से प्रदर्शित होगी आपके सामने, जहां ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा राजस्थान सरकार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग और कार्यालय जो जिस भी जिले का है, जैसे ये जयपुर रूरल का है तो जयपुर रूरल प्रदर्शित होगा। यहाँ पर बीमा प्रमाण पत्र संख्या में एम्प्लॉय आईडी ही प्रदर्शित होगी
वही आपकी बीमा प्रमाण पत्र संख्या है, किस तिथि को ये जारी किया गया वो प्रदर्शित होगा। फिर समूची डिटेल बीमेदार की, उसकी आईडी, नाम, पद, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, अंतिम प्रीमियम कब भरा गया वो, परिपक्वता तिथि और कार्यालय का नाम, ये सब प्रदर्शित होगा। और नीचे आएंगे हम तो मनोनीत व्यक्ति का विवरण भी प्रदर्शित होगा, आपने एसआई पॉलिसी बॉन्ड में किसका मनोनयन किया है वो सूचनाएं आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। उसका नाम, संबंध, जन्मतिथि और आपने उसको कितना शेयर दिया है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर निष्पादित समाओष्णों की का विवरण दिया जाएगा, मिलेगा आपको, जिसमें आपने कब ये पॉलिसी प्रारंभ की वो, उसका मासिक प्रीमियम क्या है वो, ये सब प्रदर्शित होगा। और बीमा धन भी प्रदर्शित होगा, जैसे इस पॉलिसी का बीमा धन है 690,800 रुपये, इनका मासिक प्रीमियम है 2,200 रुपये, समावेशन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 1/4/2022 है। अब हम आगे चलते हैं, नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का सिग्नेचर किया हुआ, डिजिटल साइन किया हुआ सिंबल दिखाई देगा, ये वेरीफाइड है यानी ये डिजिटली साइन है, इस पर और किसी हस्ताक्षर या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉलिसी बॉन्ड आपको डाउनलोड करना है, समस्त कर्मचारियों को डाउनलोड करना है जिन्होंने अभी अभी हाल ही में प्रथम घोषणा पत्र भरा है, उनका ई पॉलिसी बॉन्ड जारी कर दिया गया है। पहले जब ऑफलाइन प्रक्रिया थी तो कागज़ पर प्रिंटेड पॉलिसी बॉन्ड जारी होता था SIPF विभाग की तरफ से, अब वो प्रक्रिया बंद कर दी गई है, अब ऑनलाइन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लेमिनेशन करवा कर रख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिर ऐसी किसी अन्य जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।